हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कंटिनम मैकेनिक्स के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, जिसमें हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट है, गिवन दैट फाई वाई वन वाई टू वाई थ्री का फंक्शन है, किसके इक्वल है, वाई वन स्क्वायर माइनस टू वाई वन वाई टू प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस टू वाई थ्री। ये हमारे पास एक कंप्लीट फंक्शन है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फाई, हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए देखिए, हम लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, फाई कॉमा आई का क्या मीनिंग होता है, डेल फाई ओवर डेल वाई आई। जिसको हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो फाई आई की जगह हमने पहले वन पुट किया, फाई ओवर डेल वाई वन। तो देखो, फाई का वन के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, टू वाई वन माइनस टू वाई टू, क्योंकि वाई वन के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसमें वाई वन वाली टर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दो टर्म्स नहीं आएंगे। सेकेंड है फाई टू, यानी कि डेल फाई ओवर डेल वाई टू। तो टू के रिस्पेक्ट इसको करेंगे अगर हम डिफरेंशिएट, फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म माइनस टू वाई वन, क्योंकि टू के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगली टर्म है टू वाई टू। थर्ड फाई थ्री, यानी कि डेल फाई ओवर डेल वाई थ्री, यानी कि इसका थ्री के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओनली टू टू फोर वाई थ्री, यानी कि इसका होगा ओनली थर्ड टर्म का। तो ये हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि फाई कॉमा आई, यानी कि आई में पहले वन, फिर टू और फिर थ्री। तो ये तीन कंपोनेंट्स है जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट्स ऑफ फाई। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर फंक्शन, कि ए जो है वाई वन वाई टू वाई थ्री का फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस भी है, उसके कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। देन डेल जो आपको बताया है, ई डेल ओवर वाई वन, ई टू डेल ओवर डेल वाई थ्री और ई थ्री डेल ओवर डेल वाई थ्री। तो ए जो है ए वन ए टू ए थ्री है। देन डाइवर्जेंस क्या होगा, जो हमने बताना है, डेल डॉट ए, डेल की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या आ गया, डेल ए वन ओवर डेल वाई वन, डेल ए टू ओवर डेल वाई टू, डेल ए थ्री ओवर डेल वाई थ्री। इसमें हमारे पास क्या बन गया, ए वन का वन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ए टू का टू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ए थ्री का थ्री के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो ये क्या बन गया इंडेक्स नोटेशन में हमारे पास, डेल डॉट ए इज इक्वल टू ए आई कॉमा आई। तो ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, ए आई कॉमा आई। यस, नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है। लेट फाई वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या है, एक स्केलर फंक्शन है और कंटिन्यूस विद द कंटिन्यूस डेरिवेटिव, कि इसके कंटिन्यूस डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करती हैं और कंटिन्यूस भी है फंक्शन। उसको हम डेल को किस टाइप से डिफाइन करेंगे, ई वन डेल ओवर डेल वाई वन प्लस ई टू डेल ओवर डेल वाई थ्री, ई थ्री डेल ओवर डेल वाई थ्री। तो ई वन ई टू ई थ्री क्या हैं, ये इसके यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल फाई से। डेल का फॉर्मूला हमने बताया ऊपर, वही फार्मूला हमने लिखा फाई एज इट इज, फाई को एक्सप्लेन किया अंदर। तो ई वन डेल फाई वन वाई वन प्लस ई टू डेल फाई ओवर डेल वाई टू प्लस ई थ्री डेल फाई ओवर डेल वाई थ्री। तो ये डेल फाई ओवर डेल वाई वन को लिखते हैं फाई कॉमा वन, डेल फाई ओवर डेल वाई को फाई कॉमा टू, और ये आ गया हमारे पास फाई कॉमा थ्री। तो ये डेल फाई जो होता है इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखेंगे, फाई कॉमा आई से। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, गिवन क्यू आई हमें क्या दे रखा है, टू वाई वन माइनस टू वाई टू प्लस टू वाई टू वाई थ्री, और थर्ड है माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ क्यू आई। डाइवर्जेंस ऑफ क्यू आई क्या होता है, तो हम लिखेंगे डाइवर्जेंस को डी आई वी से लिखते हैं, ऑफ क्यू आई फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल क्यू आई
अपॉन डेल वाई है, सेम वही। तो हमारे पास इसको अगर हम खोलें, वन पहले आई को क्या पुट किया, वन, फिर आई को क्या पुट किया, टू, फिर आई को क्या पुट किया हमने, थ्री, क्लियर। तो वन का पहले वन के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओनली टू, टू का टू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, माइनस टू, टू के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू वाई थ्री, थर्ड इसका करेंगे हम तो माइनस टू वाई थ्री, क्लियर। तो ये टू वाई थ्री से टू वाई थ्री कट गया, माइनस टू प्लस टू, तो रिजल्ट आ गया ज़ीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ क्यू आई जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो।